सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। वैसे आज का ये व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का पूरा दिन ना बोरिंग जा रहा था। तो भाई आप में से किसी शायद कमेंट आया था कि भाई आपके जो मोबाइल में ऐप्स वगैरह होते हैं व्हाट्स इन माय फ़ोन वीडियो बनाओ, है ना। तो वो कमेंट मेरे में आया था तो मैंने कहा चलो भाई बना ही देते हैं, आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट है। तो चलो आज देखो मेरे पास मेन दो मोबाइल हैं, एक ये वाला है जो मैं मेन व्लॉग के लिए यूज़ करता हूँ जिसमें व्लॉग वगैरह बनाते हैं, और एक ये वाला है ना जिसको मेन मैं एडिटिंग और यूट्यूब के लिए यूज़ करता हूँ, है ना। तो भाई ये वाला एक ये रियलमी 8i है और ये रियलमी 9i है। तो बस इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, दोनों एक ही कंपनी के मोबाइल हैं, बस ये अलग अलग काम है इनका। इसका काम रहता है इसमें स्टोरेज ज़्यादा है ना, तो इसका काम अलग है, इसका काम अलग है ना। तो चलो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों में ऐप्स वगैरह कौन से हैं। वॉच इन माय फ़ोन वीडियो यही होता है, आप लोगों को पता ही होगा। चलो भाई मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा दोनों में कौन से ऐप्स हैं ना। देखो यहाँ पे हमारे दोनों फ़ोन आ गए हैं ना, एक ये वाला है जिससे मेन हम वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, मतलब इससे मैं पहले एडिटिंग भी करता था मेन चैनल की और व्लॉग्स की, है ना। तो ज़्यादातर तो मैं मैक्सिमम यही यूज़ करता हूँ मैक्सिमम टाइम, और बाकी ये है व्लॉग्स वाला, इससे मैं मैक्सिमम टाइम व्लॉग्स शूट करता हूँ। क्योंकि ये वाला फ़ोन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि भाई देखो इसमें ना आपको मैं अभी दिखा देता हूँ एक चीज़। तो भाई देखो ये नॉर्मल फुटेज ऐसे रिकॉर्ड होती है और इसको हम वाइड एंगल में लगा सकते हैं। देखो इसको ऐसे वाइड एंगल में लगा सकते हैं तो भाई वाइड एंगल आ जाता है। बाकी इस वाले मोबाइल में वो फीचर नहीं था, तभी मैंने ये वाला फ़ोन लिया था। तो भाई इसका एक अलग फीचर था, बस इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि व्लॉग्स में वाइड एंगल की बहुत ज़रूरत होती है ना। तो गाइस चलो अभी हम लोग है ना इस वाले मोबाइल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि भाई ये मेन मोबाइल है मेरा, इसी में ज़्यादातर मेरे ऐप्स हैं इंपॉर्टेंट। बाकी ये वाला मोबाइल और वो वाला मोबाइल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, एक ही जैसे ऐप्स होंगे इनके अंदर। तो चलो भाई सबसे पहले तो आप मेरा वॉलपेपर देख लो। तो भाई मैंने एक मोटरसाइकिल वाले भैया का वॉलपेपर लगा रखा है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले ऐप्स वगैरह दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस देखो सबसे ऊपर है मेरे पास अमेज़ॉन वाला ऐप, तो भाई इससे तो आपको पता ही शॉपिंग वगैरह होती है। बाकी ये वाला ऐप पड़ा आया था, इसमें गूगल असिस्टेंट होता है ना, तो वो पड़ा हुआ था। बाकी ये वाला ऐप जो होता है बैकग्राउंड इरेजर, इससे हम लोग बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं कोई भी फोटो वगैरह का, जो भी मतलब हमें चाहिए हो, है ना। आपको अगर यूट्यूबर तो आपको पता ही होगा क्या क्या जरूरी होता है। इससे आपका फेसबुक पेज मैनेजर है ये, तो इससे फेसबुक पेज मैनेज होता है ना। ये कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, ये कैमरा है ना। बाकी ये वाला जो ऐप है ये DSLR में काम आता है, यह है क्रोम ब्राउज़र हमारा। बाकी अब मैं आपको इंपॉर्टेंट ऐप दिखाता हूँ। तो ये वाला ऐप है, ये भी काम आता है फेसबुक मैनेजर मैनेज करने के। और भाई पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने DoubtNet भी डाउनलोड कर रखा है, कोई डाउट होता है तो भाई मैं यहीं से आराम से वो कर लेता हूँ, है ना, सॉल्व। बाकी हमारे पास फेसबुक है, फेस ऐप भी कर रखा था भाई, ये मैंने फन में कर दिया था, मुझे पता भी नहीं था इससे क्या होता है। इससे मैं भाई अलग अलग फीचर्स होते हैं इसके अंदर, टकला अकले हो जाते हैं। बाकी ये देखो गूगल फाइल्स है, फाइंड माई फ़ोन ही बहुत ज़रूरी होता है भाई, फ़ोन खो जाए तो इससे वापस आ जाता है। बाकी एक फ्लिपकार्ट भी है, और भाई टाइम पास के लिए मैंने गेम भी कर रखे हैं थोड़े दो तीन, एक इसमें एक उसमें भी है ना, टाइम पास के लिए कर रखे हैं। और यहाँ पे पता नहीं ये क्या है, तो पढ़े पढ़ाए गूगल के ऐप्स हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम भी है, और भाई ये सबसे बढ़िया ऐप है लाइट रूम भाई, इससे फोटो एडिट करोगे ना आप लोग भाई, इसको एक बार चलाना अगर आपने सीख लिया तो भाई आपकी बहुत ही अच्छी फ़ोटो एडिट हो जाती है। बाकी ये वाला जो ऐप है ये है MI बैंड, तो भाई इसमें अलग अलग टाइप्स के जो MI के बैंड होते हैं ना, बैंड रखा है पीछे, तो भाई इसके वॉलपेपर मिल जाते हैं यहाँ पे। देखो अलग अलग टाइप के जो भी आपको चाहिए अलग अलग हैं, वरना MI की बैंड की वॉलपेपर ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है, पर भाई यहाँ देखो अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। भाई देखो एक भूत वाला मिल गया, तो भाई इसको सेट भी कर सकते हैं उसमें। तो भाई एक ये वाला है, ये रील्स एडिट करने का काम आता है मोशन निंजा, तो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हो। बाकी ये तो है ही MyGeo वगैरह है, और भाई देखो PicsArt और पिक्सल रैप मैं यूज़ करता हूँ, जो थंबनेल वगैरह होते हैं इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छे थंबनेल बनते हैं। पिक्सल ऐप से तो मैं मेनली थंबनेल बनाता हूँ, पर इसका यूज़ कर लो ना PicsArt का, तो बहुत ही अच्छे थंबनेल बन जाते हैं। बाकी मैं थंबनेल अभी मोबाइल से बनाता हूँ, मेरे पास लैपटॉप भी है पर भाई मुझे फोटोशॉप वगैरह यूज़ करना तो आता नहीं, तो मैं मोबाइल से ही बना लेता हूँ, है ना। और ये हमारे एक स्कूल का ऐप है तो इसे भाई इग्नोर कर दो। बाकी ये सोशल ब्लेड है, ये यूट्यूब के काम आता है। बाकी भाई देखो Spotify भी है मेरे पास, तो है ना Spotify पे मैं गाने वगैरह सुन लेता हूँ कभी, तो मैं आपको गाने भी दिखा देता हूँ जो मैं सुनता हूँ मैक्सिमम टाइम। तो भाई ये आप गाने देख लो, तो भाई मैक्सिमम टाइम मैं यही गाने सुनता हूँ, ये देख लो भाई, ठीक है भाई। ये मेरे फेवरेट कुछ गाने हैं, इन्हीं को मैंने सेव कर रखा है, ये देखो अभी मैं वही सुन रहा था लास्ट टाइम, ये देखो। हाँ तो भाई मैं ये सुनता हूँ, है ना, बाकी कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा। बाकी और मेरे पास कौन से ऐप है, ये तो हो गया भाई। ये TeraBox है भाई, ये बहुत अच्छा है, इससे आप क्या कर सकते हो ना, अपनी जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती है इसमें स्टोर कर सकते हो। ये बहुत ही काम का ऐप है भाई, अगर आपको स्टोर करनी हो तो बेस्ट बेस्ट ऐप यही है।
बाकी और तो कुछ नहीं है भाई, थीम स्टोरी पड़े पड़ा ऐप्स हैं, मोबाइल में इंस्टॉल्ड आते हैं। और भाई वाई टी स्टूडियो में मैं देख लेता हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़े कितने और ये सब भाई। और ये मैंने तब डाउनलोड किया था जब हमारे मेन चैनल पे दिक्कत आ गई थी, अगर आपको पता हो तो भाई उस लिए डाउनलोड किया था। यूबी को की आती है ना सिक्योरिटी यूट्यूब के लिए। और बाकी देखो जेड अकाविर जो फाइल वगैरह मैनेज करने का काम आता है। और भाई ये जिप लाइफ है भाई, ये इस बैंड की काम आता है ये ऐप भी, तो भाई बैंड की काम आता है, बैंड में कोई दिक्कत वगैरह होती तो चेंजेस यहीं से हो जाते हैं। तो भाई ये भी बहुत बढ़िया ऐप है ना। बाकी और तो कुछ नहीं, और मैंने जोमेटो पढ़ा हुआ है तो भाई इसे पढ़ा रहते थे। बाकी अब मैं आपको ये वाला ऐप दिखा देता हूँ, मतलब ये वाला मोबाइल दिखा देता हूँ। बाकी ये भी सेम ही होगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा, मैं थोड़ा थोड़ा आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नहीं है इसमें, देखो सेम ऐप है, बस इसमें ये मैंने देखो पावर डायरेक्टर डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मैं मोबाइल से ब्लॉग बनाता हूँ तो मैं मोबाइल से ही एडिट कर लेता हूँ मैक्सिमम टाइम, तो क्योंकि भाई पीसी में कौन डाले, क्योंकि मोबाइल से बनाए तो ज़्यादा हाई क्वालिटी का तो बनता नहीं है, मतलब ठीक ठाक बन जाता, तो भाई मैं इसी में एडिट कर लेता हूँ पावर डायरेक्टर में। और मेरे पास एक गेम भी पड़ा है भाई बाइक वाला, तो भाई मैं इसमें बाइक भी चला लेता हूँ गेम के अंदर कभी कभी, है ना। बाकी और तो मेरे पास आप देख ही सकते हो, शेयर करो है भाई, सेम ऐप हो गए, गैलरी वगैरह हो गई, म्यूज़िक वगैरह हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, तो भाई काफ़ी सेम ऐप है देखो भाई, फेसबुक मैनेजर वगैरह हो गए। तो बाकी मैं यूट्यूब का ही सब कुछ काम रखता हूँ इसमें, कुछ भी फालतू का डाउनलोड नहीं करता है ना। कुछ मैंने गेम डाउनलोड कर रखे टाइम पास के लिए भाई, टाइम पास भी कभी कभी कर लेता हूँ, मन नहीं लगता तो, है ना भाई। गाइस देखो ये मेरा बैंड है, तो भाई इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको दिखाऊँ, है ना, इसमें तो नॉर्मल बैंड ही है, इसमें हार्ट रेट वगैरह ही बताता है, तो भाई हाँ इसमें तो कुछ दिखाने लायक आपको है ही नहीं, तो बस। तो चलो भाई आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं ना भाई, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया जो जो मेरे मोबाइल में था, बिल्कुल एकदम ऑनेस्टी के संग। तो चलो भाई, है ना। तो चलो गाइस आज मैंने आपको दिखा दिया भाई मेरे फोन में क्या क्या है ना, तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप इसे ब्लॉग भी बोल सकते हो, कोई वीडियो भी बोल सकते हो, है ना। तो चलो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलेंगे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Must be a sign, so lost here, lost forever. Love being stuck here with you.